नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। महिला विंग झांसी के तत्वाधान में झांसी नारी शक्ति के द्वारा जो महिलाओं पर निंदनीय एवं विभत्स घटनाएं हो रही हैं उनके विरोध में एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। झांसी के मिशन गेट से निकली इस रैली का जो मार्ग था वह BKD चौराहे से होते हुए वापस मिशन गेट तक था, लेकिन इस दौरान महिलाओं के हाथ में जो तख्तियां हैं उनमें कई प्रकार के नारे लिखे हुए हैं। इन नारी शक्ति ने महिलाओं के साथ देश में हो रही जघन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। इनका कहना है कि सरकार कड़े कानून बनाए जिससे अपराध करने वालों की मानसिकता इन कानून के और इन ठोस पहल के चलते पूरी तरह नेस्तनाबूत हो जाए। महिला सुरक्षा और अस्मिता की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस पहल करने चाहिए, ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए कि अपराध करने वालों की भी अपराध करने से पहले रूह कांपने लगे। नारी शक्ति के हाथ में आप देख सकते हैं अलग अलग नारे उसे लिखी तख्तियां हैं और यह मुख्य झांसी के इलाइट चौराहे पर अपना रोष व्यक्त करने पहुंची। इस रैली में जो सुनीता अग्रवाल के नेतृत्व में निकाली गई, उषा, रजनी, राजकुमारी, ममता, अर्चना, रेणु, नीलम लगदारी, प्रतिभा, राज साधना, कुसुम सेठ, नीलम जैन, इंदिरा गुप्ता आदि तमाम महिलाएं उपस्थित रहीं। इसके अलावा डॉक्टर मेजर MC अग्रवाल, अशोक अग्रवाल काका, पुरुषोत्तम गुप्ता व अशोक बिलगैया ने भी इन नारी शक्ति की हौसलों को नमन किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से ठोस कानून बनाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि देश के कोलकाता समेत तमाम जगह पर हुई महिलाओं के प्रति घोर निंदनीय घटनाओं ने पूरे देश में महिलाओं को आकर्षित कर रखा है। फिलहाल महिलाओं ने अपने इस ठोस पहल की मांग को लेकर जो रैली निकाली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। मार्केट संवाद की रिपोर्ट।